That means I am audible in every section. Well, Bete, we will continue with the chapter. As you know, the name is Light. Okay? So we will do multiple activities as well as we'll learn the concepts further. Right, Bete? ओके सो हो सकता है कुछ बच्चे कल एब्सेंट हों, तो हम थोड़ा सा लिंक करेंगे कल वाले लेक्चर से इन ऑर्डर टू मेक यू ग्रास्प द थिंग्स इन ए बेटर वे. फाइन बेटे. सो हमने पढ़ा वेल स्टूडेंट्स, हमने बेटे क्या देखा था? हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली. ऑप्टिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने स्टडी करा बेटे लास्ट टाइम. अकॉर्डिंग टू दैट वी क्लासिफाइड द ऑब्जेक्ट इनटू थ्री कैटेगरीज. वन वाज ओपेक थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू. अनदर वाज ट्रांसपेरेंट थ्रू विच लाइट वाज पासिंग वेरी एफिशिएंटली. एंड द थर्ड वन वाज ट्रांसलूसेंट हु विच थ्रू विच द पार्शियल लाइट कैन पास थ्रू ओनली सम पोर्शन. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा. सेकेंड वी डिस्कस्ड बेटे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ये भी हमारा लास्ट टाइम डिस्कस किया. इसमें हमने क्या बताया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ये अपनी मर्जी से मुड़ नहीं सकती. लाइट ऑलवेज कीप ऑन ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एंड इट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ. ये हमने लास्ट टाइम स्टडी करा. फिर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के ऊपर हमने कौन से तीन इफेक्ट पढ़े थे? शैडो का पढ़ा बच्चे, और क्या पढ़ा था हमने? एक्लिप्स का पढ़ा, और क्या पढ़ा बेटे? और हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, शैडो का, कैमरा एक्लिप्स का और पिन होल कैमरा. ये हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े थे. प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन. फिर हमने क्या पढ़ लिया था बेटे? हाउ टू मेक दी मिरर, हाउ टू मेक अ प्लेन मिरर कमर्शियली. कमर्शियली मींस कैसे हम एक मिरर को बना के चाहे तो उसको मार्केट में बेच के पैसे भी कमा सकते हैं. ग्लास शीट डिस्कस करा, कांच का ग्लास शीट लेके बिल्कुल स्ट्रेट उसके ऊपर मेटल का स्प्रे करके फिर हमने लेड का कंपाउंड स्प्रे करा था. यहां तक हमने डिस्कस करा था बेटे लास्ट टाइम. आज हम आगे स्टडी करेंगे. कौन पढ़ा रहा है आपको बेटे? पिकाल्टी का नाम क्या है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए. धीरज वशिष्ठ. और कौन पढ़ा रहा है आपको? कहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हो? के एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, चंडीगढ़. राइट. सो आज हम आगे स्टडी करेंगे. शाबाश, वी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव. एक्टिविटीज भी करेंगे तो
तो हमारा लेक्चर आज भी बहुत एंजॉयबल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। सो बेटे, पता है लुक बेटे, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमने क्या देखा था, शेडो क्या है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था शेडो, राइट? और ये शेडो है क्या बेटे? हमने ये बताया था शेडो में, लुक हियर, इफ दिस बॉय इज स्टैंडिंग एंड इन फ्रंट ऑफ इट वी सी द शेडो ऑफ द बॉय, हाउ इज इट पॉसिबल? बेटे, टीचर टोल्ड यू लास्ट टाइम, हेयर इज द सोर्स ऑफ लाइट। मान लो इस बच्चे के पीछे सन सन है और सन से लाइट आ रही है, जो पोर्शन तो इस बच्चे की बॉडी से लाइट नहीं रुकेगी, वहां पर तो रोशनी दिखेगी, और जिस पोर्शन पे बच्चे की बॉडी ने लाइट को रोक लिया, ये वाला पोर्शन, यहां पर आपको डार्क शेडो दिखता है। तो डार्क शेडो कौन सा होता है बेटे? वेयर नो लाइट रेज फॉल। और ये क्यों नहीं गिरती यहां पर लाइट? क्योंकि बच्चे का खुद का बॉडी लाइट की रेज में रुकावट का काम करता है। रुकावट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। So, ये अगर कोई मेरे बच्चे से पूछे इस शेडो का वाई क्यों है, वाई, तो आप बोलोगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि प्रेजेंट केस में बॉय है, दैट एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मैंने क्या था बेटे? रुकावट। और क्या वर्ड लगा सकते हैं इसकी बजाय? ऑब्स्टेकल इन दी पाथ ऑफ लाइट रेज। बच्चा कहेगा, एक बच्चा कहता है सर लाइट रेज इस बॉडी से ऐसे घूम के क्यों नहीं पड़ जाती? तब उसको बताया जाएगा बेटे लाइट की रे ऐसे बेंड तो कर ही नहीं सकती, क्यों? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट लाइन, प्रोपेगेशन मैंने आगे बढ़ना, एडवांसमेंट। तो जब लाइट यहां से बॉडी से उसके आर्मपिट से निकली रेज, तो सीधी ही जा सकती है, ऐसे मुड़ नहीं सकती, इसलिए इस पोर्शन पर लाइट की रेज नहीं गिरेंगी और ये वाला शेडो दिखेगा बच्चे का। गॉट इट? दूसरे फिगर में आप देख रहे हो ये कितना क्यूट डॉगी है। देखो ये डॉग है, आपने पेट भी रखा होगा अपने घर में। तो आपने एक चीज नोट करी बेटे, बॉय का बॉडी बड़ा है लेकिन शेडो छोटा है, और डॉग का बॉडी छोटा है पर उसका शेडो बड़ा है, लार्जर। ये कैसे मुमकिन है? ये भी मुमकिन है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स। अगर ये सन है, मान लो सुबह राइजिंग सन है 10 AM या 8 AM, और ये ग्राउंड में डॉग खड़ा है, तो ये सन की ज्यादा रेज को रोक पाएगा, और इसको जो शेडो के लिए सरफेस मिला, दूर मिला, तो इसलिए ये एक्सटेंड होगी। यानी कि आप कह सकते हो किसी एक ही ऑब्जेक्ट का शेडो बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सन कहाँ है। अगर ये मॉर्निंग का सन है तो शेडो बड़ा आएगा, इवनिंग का सन है तो शेडो तो भी बड़ा आएगा। लेकिन मान लो सन यहां पर आ गया 11:30 पर, तब इस डॉग का शेडो यहां पड़ेगा और वो छोटे साइज का आएगा।
जब सन बिल्कुल दोपहर को बिल्कुल इस डॉगी के हेड के ऊपर आ गया तो शेडो बहुत छोटा श्रिंक हो जाएगा। जैसे ही ये सनलाइट इधर आएगा बेटे, तो सन इधर आएगा तो लाइट इधर आएगी, शेडो का साइज फिर से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सो वी ऑल कंक्लूड, एक ही ऑब्जेक्ट का शेडो का साइज अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पर है, उससे आने वाली स्ट्रेट लाइट हॉरिजॉन्टली आ रही हैं या इंक्लाइंड आ रही हैं या कम इंक्लाइंड आ रही हैं या ज्यादा इंक्लाइंड आ रही हैं, ऑल टेल्स। सो अगर मेरे बच्चे से कोई पूछे लिखो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये पॉइंट लिखेंगे, लिखोगे शाबाश, साइज ऑफ द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, लर्निंग पॉइंट, साइज ऑफ द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, शाबाश शाबाश, राइट डाउन वंस अगेन, साइज ऑफ द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन वेरी इन साइज। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे बेटे, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा फिर। कैन वेरी इन साइज, साइज ऑफ द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन वेरी इन साइज डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, नंबर वन। नंबर टू, कोई बच्चा और बताएगा, क्या अगर मैं यहां पर इस सन को रखूं, सन की पोजीशन फिक्स है, चलो इधर लगाओ, इसकी शैडो पीछे है, सन इधर है बेटे, क्या आप बता सकते हो अगर सन यहाँ फिक्स हो तो क्या इस बच्चे की ये जो शैडो पड़ रही है इसके साइज को चेंज करने का कोई मेथड है? एनीबॉडी क्लास में, शाबाश, आई वॉन्ट टू आस्क, गुरनूर सेवन थे, गुरनूर सेवन थे बेटे, प्लीज कम ऑन द माइक, शाबाश बेटे, नॉट कमिंग, सेवंथ बी में हरनूर, सेवंथ बी हरनूर, बेटे हरनूर प्लीज कम ऑन द माइक, सेवंथ बी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से दोबारा सुनो बेटे हरनूर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो यहां पर सन है या बल्ब लगा लो, जो ये बल्ब है सोर्स ऑफ लाइट, और ये बच्चा खड़ा है और इसका शेडो यहां पर पड़ा है, बल्ब जो है फिक्स है, क्या इस बच्चे की शेडो का साइज चेंज हो सकता है किसी तरह से? योर क्वेश्चन, यस बताओ। हाँ जी बेटे माइक ले लो, हरनूर, यस और नो, चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? सर नो, नहीं हो सकता बेटे, ध्यान से सोचो। आ दूसरे बच्चे को दो, उसका ये आपके साथ में बैठा जो, वो कह रहा है, देखें क्या बोलता है, हो यस हो सकती है। जैसे सकती है, हाउ कैन यू चेंज बेटे, बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल जैसे हम बल्ब के नियर जाएंगे वैसे वैसे शेडो का साइज बढ़ेगा। सही, नाइस ऑब्जर्वेशन, नाइस ऑब्जर्वेशन बेटे। गुरनूर बैठो, अगर ये बच्चा बल्ब के नजदीक चला जाएगा तो शेडो का साइज चेंज बड़ा हो जाएगा। तो लिखो एक और पॉइंट, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, लिखो, इफ द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज फिक्स्ड, इफ द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज फिक्स्ड, कॉमा, इवन देन ऑफ शेडो साइज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, कॉमा, इवन देन शैडो साइज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन कैन बी लार्जर और स्मॉलर, कैन बी लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन
ऑब्जेक्ट इज क्लोजर और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज क्लोजर और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज क्लोजर और बेटे फिर से लिखो, ऑब्जेक्ट इज क्लोजर और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे लिखना है. लास्ट लाइन कंप्लीट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर और अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट. सीधी बात याद रखनी है, अगर ये बच्चा बल्ब के पास खड़ा होएगा तो शेडो बड़ा होएगा, अगर ये बच्चा बल्ब से दूर हो जाएगा और लाइट उसी एंगल से आ रही होगी तो छोटा हो जाएगा. क्लियर? अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ये शेडो वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड. वेरी गुड वेरी गुड, डाउन 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 डाउन, नाइस. अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं ये चाहता हूं सारे बच्चे ध्यान से सुने कि अगले लेक्चर में मैंने इन बच्चों से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. सीरत, लवलीन, रवनीत, ज्ञानशु, नवजीत, अमन, भरत, दिलप्रीत, आरुष, इन बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, औरों से भी पूछ सकता हूं. लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज योर रिफ्लेक्शन. अब हम बच्चे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर. इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. कोई बच्चा बता सकता है मेरे हाथ में क्या है? नहीं बेटे, प्रॉपर बोलना होता है, प्लेन मिरर. अगर ये ऐसे कर्व्ड होता तब भी मिरर ही होता, प्लेन मेरा मिरर. कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज इन माय हैंड? लेजर लाइट बिल्कुल, दैट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट. गॉट इट? बेटे 7th D वाले बच्चे अपना कैमरा ऑन करें. अच्छा ये क्या है मेरे हाथ में, व्हाट इज दिस? एनीबॉडी? ये जब हम बड़े MSc क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, कैमरा ये बेटे कैमरा नहीं है, ये भी लेजर बीम है, ये प्रोफेशनल लेजर बीम है, जब हमने बड़ी क्लासों को पढ़ाना होता है तब यूज करते हैं. देखो इसके पीछे ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, ये भी मिल जाता है मार्केट से. ये मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड्स हैं, व्हाइट शीट्स, तो ये मेरा सारा ऑपरेटस हो गया. सबसे पहले मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा बोर्ड पे समझाऊंगा, देन वी विल डू दी एक्टिविटी. ओके, योर अटेंशन, योर अटेंशन. बेटे मान लो मैंने यहां पर एक मिरर बिछा दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मिरर, ठीक है, तो यू कैन से प्लेन मिरर. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, मेक द डायग्राम, प्लेन मिरर ऑन टेबल टॉप, ऐसे लिटा दिया. ओके, और यहां पर मेरा लेजर बीम है सोर्स ऑफ लाइट, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, सोर्स ऑफ लाइट. ओके, इस सोर्स ऑफ लाइट से ये रे ऑफ लाइट आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहां फॉल करा. कोई बच्चा बताते हैं बता सकता है व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वी से लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज दैट नेम? रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. वेरी गुड, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. अच्छा बेटे ये लाइट
ऐसे मिरर के जिस पॉइंट पर गिरे जाकर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिरर के ऊपर जहां पर मैंने पी पॉइंट लिख दिया क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अच्छा नहीं बेटे, इसको बोलते हैं, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, बहुत सारे पॉइंट आएंगे इसमें, शाबाश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस जहां पर लाइट जाकर गिरती है। बहुत अच्छे, शाबाश, लेट्स प्रोसीड फर्दर। 7th D के बच्चे कैमरा ऑन करें, सॉरी माइक ऑन करें प्लीज। ओके, ये जो रे ऑफ लाइट होती है जो सोर्स ऑफ लाइट से गिरी, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। एवरीबॉडी नोज, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, इंसिडेंट रे। अब जो बच्चा मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा वो सारे सेक्शंस में से सबसे ब्राइट बच्चा है। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है, और क्लासेस का कंपटीशन भी है। कौन बच्चा इस एंगल का नाम बताएगा जो रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ, नहीं नहीं बेटे ध्यान से सुनो तो सही, जो मिरर के सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, इस एंगल का नाम क्या है? अब बताओ, शाबाश। मिरर के सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया इसको क्या बोलते हैं? वेरी फ्रैंकली लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल तो कोई नहीं बताया, बता पा रहा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ये बच्चा थोड़ा इंग्लिश वाइज रिफ्रैक्शन। सही कह रहा है, इंग्लिश वाइज सही कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर बेटे, लेकिन इसको प्रोफेशनल प्रोफेशनल नेम अलग है, इसको आप साइंस की टर्मिनोलॉजी में एंगल जी बोलते हो, और इसको बोलते हो एंगल ऑफ ग्लास। सभी बच्चे नोट कर लो, एंगल ऑफ ग्लास सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन, पी पॉइंट पर मैं एक ऐसी लाइन ड्रा कर दूं जो मिरर के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस पर्टिकुलर लाइन का क्या नाम है बेटे? नॉर्मल। शाबाश, इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द मिरर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट परपेंडिकुलर। कोई बच्चा बताएगा इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। शाबाश, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई स्टैंड फॉर, सभी बच्चे लिखते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो बच्चा कहीं ये भी सोचता हो ना कि मेरे को आता है ये, लेट मी टेल यू, मैं इसमें इतनी सारी चीजें बता दूंगा कि उसको लगेगा बाद में कि मेरे को लिखना चाहिए था। ध्यान से सभी बच्चे, बहुत सारी बातें आएंगी इसमें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। शाबाश, ये लाइट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद इधर को चले जाता है बेटे। जो ये लाइट जाती है टकराने के बाद इसका क्या नाम होता है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड शाबाश, रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड। कौन बच्चा बताएगा रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने जिगजैग एंगल दिखा दिया, इसको आर से लिखते हैं, एंड यू कॉल इट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे ने मिरर के सरफेस के साथ एक एंगल बनाया, मान लो उस एंगल को हम थीटा बोल दें, थीटा, ये ग्रीक लेटर होता है बेटे, इसको थीटा बोलते हैं, अगर नहीं पता तो।
सुनो, अगर बेटे इसके राइट साइड बेटे, देखो अगर मैं किसी बच्चे से पूछता कि अगर ये प्लेन मिरर ना हो तो इंसिडेंट रे किधर जाएगा, तो उसका आंसर आता, सर आपका इंसिडेंट रे ये इधर निकल जाता जहां आप येलो कलर का डॉटेड लाइन बना रहे हो। अगर ये मिरर ना होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल गया होता। गॉट इट? लेकिन इस मिरर की वजह से प्रोसेस कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन, और लाइट इधर चला गया। कोई बच्चा मेरे को बता पाएगा कि इस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलेंगे जिसको टीचर ने ऑरेंज कलर से मेंशन करा है? ऑरेंज कलर से मेंशन करा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? देखो लाइट इधर चला जाता येलो कलर की तरफ प्रोपेगेशन अगर मिरर ना होता, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिरर रिफ्लेक्शन प्रोसेस अकर्स एंड इंसिडेंट रे गोज टुवर्ड दिस साइड। इसका मतलब यह हुआ कि इस मिरर ने इस लाइट के रास्ते में ऑरेंज कलर के एंगल के बराबर इसको मोड़ दिया, जाना था इधर भेज दिया उधर। किसने? प्लेन मिरर ने। किस प्रोसेस की वजह से? रिफ्लेक्शन। कितने एंगल की वजह से? ऑरेंज एंगल की वजह से। मोड़ दिया, मोड़ दिया, इधर जा रही थी उधर को मोड़ दिया। मोड़ने की इंग्लिश क्या होती है बेटे? एनीबॉडी देखें, लेट मी चेक योर इंग्लिश। टर्न टर्न। और क्या हो सकता है वर्ड मोड़ने को, और क्या बोलेंगे टर्न के बिना? शाबाश, इनमें से कोई बताए। दिलप्रीत, भारत, बेंट भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड है बेटे, डेविएट। डेविएट, जैसे मैं कहूंगा यार मैं बड़ा अच्छा बाइक चला रहा था, अचानक मेरा अटेंशन डेविएट हो गया और मेरा टकरा गया बाइक, किसी से टकरा गया बाइक। करेक्ट? तो व्हाट डू यू मीन? मतलब ये हुआ, डेविएट का मतलब अटेंशन बिगड़ जाना, मुड़ जाना, कहीं और चले जाना। तो इतने एंगल से लाइट को मोड़ दिया गया, येलो डायरेक्शन से टिक वाली डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। एंगल ऑफ डाइवर्जन डेल्टा से लिखते हैं बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लो सभी बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये ग्रीक लेटर होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। इन एंगल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। आप कहते हैं सर मैं कोई और लगा दूं, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलते हैं बेटे, फिर आपका बड़ी क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा वरना। तो ये सारी टीचर ने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, अब टीचर आपको इनके लाज बताएगा, और लाज बताने के लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, ताकि बच्चे की विजिबिलिटी अच्छी रहे। वी विल डिस्कस दी लाज। शाबाश। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ देखो, पहला सेकंड लॉ है बेटे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये वाला इंसिडेंट रे होता है, ये वाला बेटे नॉर्मल, और ये दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। मेरे लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर सेम प्लेन का क्या मतलब? मैं आपको भी बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैन लवलीन ऑफ 7th D टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन द सेम प्लेन?
शाबाश लवलीन, बता सकते हो बेटे सेवंथ डी में? लवलीन इज एब्सेंट। ओके, सेवंथ ई में ज्ञानशु, सेवंथ ई में ज्ञानशु, कोई बच्चा एब्सेंट हो तो बता दिया करो मेरे को जल्दी से। सेवंथ जी में दिलप्रीत, या दोनों में से कोई भी बच्चा बताए। शाबाश, ज्ञानशु और दिलप्रीत। बेटे माइक ले लो। सर सेम एंगल। इस मैं तो इसका पूछ रहा हूं, सेम प्लेन का क्या मतलब है बेटे? सेम प्लेन नहीं, गेस सर एक्सक्यूज मी बेटे। सर, पर्पल कलर विजिबल नहीं है। ओके, दूसरा लेते हैं बेटे, ये बहुत बड़ी अच्छी फीडबैक है, शाबाश। हम फिर से व्हाइट कर लेते हैं। लो अब मेरे से समझो, प्लेन, सेम प्लेन का मीनिंग ध्यान से सुनना बेटे। सभी बच्चों ने ये चीज तो देखी होगी, और इसका नाम बताओ क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कैन एनी बॉडी टेल? ब्लेड ब्लेड है, रेजर है, ब्लेड है बेटे। आपको पता ब्लेड का कितना बारीक सरफेस होता है, प्लेन होता है बिल्कुल। अगर मैं इस ब्लेड को ऐसे स्लाइड करके लेके जाऊं, और ये ब्लेड इस इंसिडेंट रे को लेंथ वाइज काटे, मेरे हाथ को आप ब्लेड समझ लो, ये मेरा हाथ का ये वाला पोर्शन इंसिडेंट रे को पूरा पूरा कट करके जाए, और मैं इस ब्लेड को आगे लेके जाऊं, तो वो नॉर्मल को भी पूरा पूरा कट करेगा, और रिफ्लेक्टेड रे को भी पूरा पूरा कट करेगा। यानी ये तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ब्लेड के सरफेस के अंदर लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सरफेस से आगे निकल जाएगा या पीछे निकल जाएगा। अगर इंसिडेंट रे की पूरी लंबाई ब्लेड से कटती है, और मैं इसको काटते हुए ब्लेड को आगे ले जाऊं बिना हिलाए, तो वो नॉर्मल को भी पूरी लेंथ से काटेगा ब्लेड, और आगे ले जाऊं उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे को भी पूरी तरह से कट करे। याद रहे, ऐसे नहीं कट करेगा, देखो ऐसे नहीं कट करेगा, ऐसे ना, ये तो क्रॉस बन गया, ऐसे नहीं, पूरा लेंथ वाइज। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है और मेरा हाथ ब्लेड है, इसको पूरी लेंथ को काटेगा ऐसे, लाइक बिल्कुल पैरेलल। ओके, सो दैट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। थर्ड लॉ बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो आर दिखाया हुआ है, आई दिखाया हुआ है। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ, शाबाश। फोर्थ लॉ क्या होगा बेटे? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ऑफ ग्लास। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ऑफ ग्लास। ये क्या बताया है टीचर ने बेटे? लिख लो ऊपर हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ आ गया है वो मेरे को बताएं, ताकि हम एक्टिविटी कर सके। हैव यू गॉट इट? रेज योर बोथ हैंड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, मैंने ये आपके लिए एक चार्ट भी बना रखा है बेटे। अगर हम सोचो, मान लो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखना चाहते हैं, सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा बनाया हुआ ये चार्ट देखो। कोई बच्चा बता सकता है टीचर ने इसमें क्या दिखाया है? कैन यू टेल मी नॉर्मल व्हाट आई हैव शोन? नॉर्मल दिखाया हुआ है, इंसिडेंट रे दिखाया है, रिफ्लेक्टेड रे दिखाया है।
कौन कौन से दो एंगल दिखाए हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल इंसिडेंस ऑफ एंड एंगल रिफ्लेक्शन। ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों एंगलों में से कौन सा लार्जर होता है, कौन सा स्मॉलर होता इक्वल सर बोथ आर सेम। है? मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट है, उन्होंने बोला सर लार्जर स्मॉलर होता ही नहीं, बोथ एंगल्स आर इक्वल। वेरी गुड। अब इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट कर दिया एक और चार्ट पे अपने बच्चों। देखो ये देखो, आपने देखा टीचर ने रिफ्लेक्टेड रे दिखाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 30 डिग्री दिखा रखे हैं ब्लैक कलर से, गॉट इट? फिर मैंने ब्लू लाइन दिखाई है एक नई वाली, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री बना दिया और ब्लू रिफ्लेक्टेड रे का भी 40 डिग्री निकला। और आपने देखा बेटे मैंने प्लेन मिरर एक्चुअल में लगा रखा है, देखो चिपका रखा है चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्टिंग के लिए। अगर मैं यहां से लेजर बीम थ्रो करूं ना इंसिडेंट रे के पैरलर, तो वो इंसिडेंट रे के पैरलर अगर थ्रो करता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे पे निकलती है वो, ऐसे मिरर से टकरा के ये मिरर थोड़ा सा हिल गया। इट शुड बी परपेंडिकुलर। देखते हैं मैंने हाथ से पकड़ा तो है, अगर ऐसे थ्रो करें तो यहां से टकरा के ये जिस एंगल से जाया करती है लेजर बीम उसी से निकलती है। अगर अंधेरे कमरे में करके देखें तो बिल्कुल अच्छे से दिखेगा हमें। अच्छा बेटे, अब ये थी हमारा एक्टिविटी। एक और चीज देखो बेटे, ये मेरा मिरर है और मैं इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट थ्रो करूंगा तो आपको रिफ्लेक्ट होकर ये व्हाइट सरफेस पे दिखाई देगी। देखो यहां से कंफर्म हो जाता है कि लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होती है। देखो प्लेन मिरर, ये व्हाइट स्क्रीन, ये प्लेन मिरर, और मैं मिरर के ऊपर लाइट थ्रो करूंगा आपको उधर दिखेगा। देखो हैव यू सीन, मैंने तो मिरर की तरफ करी है ना, पर आपको व्हाइट शीट पे दिख रही है? यस। अरे इट मींस व्हाट एवर वी हैव स्टडीड दैट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। ओके, और शार्प लाइट से दिखाएं। ये देखो मेरे पास बड़े वाला लेजर बीम है, मैं नीचे से इसको थ्रो करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि आपके ऊपर ये मिरर पे आता है कि नहीं आता। ये देखो मैंने इसको ऑन किया बेटे, आपने देखा कि फेस देखो। अच्छा, पहले तो ये देखो आपने देखा बेटे मेरी शर्ट के ऊपर लेजर बीम आ रहा है, और आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा अगर मैं रेड शीट दिखाऊं। अगर मैं इसके ऊपर यहां मिरर रख दिया, ये मिरर इसको टकरा के कहीं और भेज देता है लेजर बीम को, देखते हैं ये व्हाइट शीट के ऊपर आता है या नहीं। व्हाइट शीट दिखाया मैम, दिख रहा है आपको व्हाइट शीट के ऊपर रिफ्लेक्टेड बीम? अरे इसका मतलब है जो नीचे से बीम आ रहा है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद व्हाइट स्क्रीन पे गिर रहा है। तो दैट मींस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी आल्सो वी हैव अंडरस्टूड। ओके यस। यस एक चीज और देखना बेटे, ध्यान से सुना, अगर मेरे पास ये मिरर के ऊपर मैं ऐसे लाइट थ्रो करूं लेजर बीम, तो ये लेजर बीम मिरर पे गिरती है और टकरा के उधर जाती है। अब मैं जो असली बात बताने लगा हूं ध्यान से सुनो, मान लो इस मिरर को मैं 30 डिग्री से बेंड कर दूं, लाइट वहीं से आ रही है और मैं इस मिरर को 30 डिग्री से बेंड कर दूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना
वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन से एक नया एंगल बना देगा। वो 30 डिग्री का डबल होता है हमेशा, 60 डिग्री। क्या मतलब? इफ द प्लेन मिरर इज टिल्टेड बाय सम एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स इट्स पोजीशन फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन बाय एन एंगल विच इज डबल देन द टिल्टेड एंगल ऑफ मिरर। जितने एंगल से इस प्लेन मिरर को मैंने टेढ़ा किया, उससे दुगने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे अपने आप को चेंज कर लेती है पुरानी पोजीशन से। ओके, राइट। अब मैं इसको अपने बच्चों को एक बार बोर्ड पे भी बता देता हूं। देखो, टीचर ये कह रहा है, ये मिरर है, मिरर का पोजीशन नंबर 1 है और यहां से लाइट आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे, और यहां पर चला रिफ्लेक्टेड रे पोजीशन नंबर 1। ओके, अब देखो टीचर क्या कह रहा है। टीचर कह रहा है कि मैंने इस मिरर को नई पोजीशन पे रख दिया। नई पे कौन सी? मैंने इस पोजीशन को टिल्ट कर दिया ताकि ये येलो पोजीशन पे आ जाए। ये मिरर की सेकंड पोजीशन है, मैंने इसको टिल्ट कर दिया एक नई पोजीशन पे। और मान लो ये वाला एंगल मैंने बेटे थीटा रखा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सोर्स ऑफ लाइट फिक्स है, इसको बिल्कुल नहीं चेंज करना। अब ये देखा गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो पोजीशन है वो येलो कलर से हटके, ये सॉरी व्हाइट कलर से हटके ना ये रिफ्लेक्टेड पोजीशन ग्रीन कलर पे चला जाता है, सेकंड पोजीशन रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। इंसिडेंट रे वही है, सिर्फ मिरर को व्हाइट से येलो में पोजीशन में चेंज कर दिया। तब ये चीज आई हमारे सामने कि ये कितने एंगल से मुड़ गया। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो जो अल्फा होता है वो हमेशा डबल देन थीटा होता है। इसका मतलब एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स इज ऑलवेज डबल, यानी अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। समझ आया बेटे? यस और नो? यस तो ये भी एक बात है, राइट। एक बात अब हम समझते हैं मिरर के बारे में, मिरर के बारे में, इमेज के बारे में। सर, इमेज के बारे में देखो, इमेज के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर मैं बताऊंगा कि ये इमेज बाद में रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, असली बनेगा कि सिर्फ महसूस ही होता है, असली नहीं होता। महसूस होने वाला कौन सा होता है? वर्चुअल। असली वाला रियल। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है इमेज। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो यहां पर एक प्लेन मिरर है, ये टेबल टॉप पे मैंने हॉरिजॉन्टली बिछा दिया बेटे, गॉट इट? और इसके ऊपर बेटे मैंने ये पेंसिल खड़ा कर दिया, बिल्कुल सावधानी से ऐसे, ये पेंसिल समझ लो या कैंडल समझ लो, ऐसे मैंने इसके ऊपर खड़ा कर दिया। ओके, अब होगा क्या? इस कैंडल से सोर्स ऑफ, इसका फ्लेम सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करेगा और यहां इंसिडेंट रे गिरेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और इधर चला गया रिफ्लेक्टेड रे के रूप में। यहां पर हमारे हमारी क्लास का, 7th क्लास का कोई प्यारा सा बच्चा, आप पहचान सकते हो किसकी शक्ल बन रही है? पता नहीं मेरे को तो इसका नाम। तो ये बच्चा यहां से देख रहा है, क्लियर बेटे? आप जानते हो इस बच्चे को क्या लगेगा? ये बच्चा सोचता है कि रे ऑफ लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, राइट। तो ये बच्चा सोचेगा कि ये जो येलो रे जिसकी आंख में एंटर कर रही है बेसिकली वो यहां से कहीं से आ रही है, जबकि असली में इधर से आई फ्लेम के कैंडल फ्लेम से। पर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, आंख को क्या लगता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन।
तो आंख को लगेगा ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो आंख इस फ्लेम का इमेज इधर देख लेगी, उल्टा देखेगी। देखो इसी तरह से बाकी की कैंडल दिखेगी उसको, ठीक है। अब मेरे को कोई बच्चा बताओ कि अगर कोई बच्चा ऐसे टेबल के नीचे जाकर देखे तो क्या यहां पर असली में कैंडल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, नो। ये तो हमें दिखता है, इमेज है, और अगर कैंडल के नीचे जाकर देखेंगे तो ये नहीं होगा। जब होएगा ही नहीं तो इसको टच भी नहीं कर सकते। जिस इमेज को टच नहीं कर सकते, जो सिर्फ आंख को लगता है कि वहां पर होगा, असली में नहीं होता, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज को हाथ से छुआ नहीं जा सकता। वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफिक लिख लो, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टच्ड। सेकेंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी डेवलप्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ये वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटे, शाबाश। अब हम बस एक आपको वर्कशीट ये दिखा के, स्लाइड्स, फिर मैं एक वर्कशीट, आपके पास असाइनमेंट पहुंच रखी है, सभी बच्चे वो असाइनमेंट भी निकाले। ये देखो मैंने आपको स्लाइड भी दिखाया हुआ है जो समझाया है। ये देखो रिफ्लेक्शन दिखा रखा, राइट, स्लाइड पे भी देखो। ये देखो इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारा हम कर चुके हैं। ये देखो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरे और पैरेलल ही जाए, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये तभी मुमकिन है जब नीचे वाला सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। अगर नीचे वाला सरफेस शाइनिंग तो हो लेकिन जिगजैग हो, तो इंसिडेंट रे पैरेलल बीम में गिरती है पर इधर बिखर जाती है, कोई इधर को कोई इधर को। ऐसी रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स होगी? टू। उनके नाम क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर कब? जब पैरलर बीम ऑफ लाइट आए और पैरलर ही जाए, उसके लिए ये सरफेस स्मूथ होना चाहिए। अगर नीचे वाला सरफेस जिगजैग हो, तो पैरलर बीम ऑफ लाइट आने के बावजूद वो कोई इधर को चले जाएगी, कोई इधर को। इसको बोलते हैं डिफ्यूज। अगर हमने इमेज बना, इमेज देखना हो, जैसे कि मिरर में करा था, इमेज देखने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। लेकिन अगर हमने किसी बुक के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना हो, न्यूज़पेपर में पढ़ी लिखी हुई न्यूज पढ़नी हो, तब हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन चाहिए होता है, टेक्स्ट रीडिंग। टेक्स्ट रीडिंग के लिए कौन सा? डिफ्यूज्ड। और इमेज व्यूइंग के लिए कौन सा बेटे? इमेज व्यूइंग के लिए है रेगुलर। ओके, अब देखते हैं कोई और। ये हो गया हमारा बेटे, ये भी हो गया। देखो हाँ टाइम इज ओवर। बेटे, बस एक असाइनमेंट के दो तीन क्वेश्चन करने हैं, बाकी हमने ये कर लिए, ये भी कर लिया हमने। शाबाश, असाइनमेंट निकालो फटाफट, फटाफट असाइनमेंट निकालो, बड़ी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन बट कैन वी चेंज इट्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन हाउ। क्या लाइट को अपने आप तो लाइट चेंज नहीं करती अपना रास्ता, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, क्या हम खुद चेंज कर सकते हैं उसको? Yes. किसकी मदद से? By changing the position of source of light.
चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट तो ठीक है, एक और भी तरीका है, मिरर की हाँ मदद मेरा है, मेरा मिरर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर विल बी ऑफ, बोलो बड़ा होएगा छोटा होएगा उल्टा होएगा सीधा होएगा कैसा होएगा। अगर हम मिरर सुबह सेम सुबह, साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इज दैट ऑफ यस, ऑब्जेक्ट। सुबह सुबह हम फुल मिरर में ड्रेसिंग टेबल में अपना शक्ल देखते हैं, हमारा बॉडी का साइज बराबर का दिखता है, और अगर हम सीधे खड़े करते हैं हमारा फेस ऊपर है तो इमेज का फेस भी ऊपर होता है। तो लिख लो तीनों तीनों बातें लिखो, इन द प्लेन मिरर इमेज विल बी, इन द प्लेन मिरर इमेज विल बी इरेक्ट, सेम साइज्ड, फिर से लिखो, इमेज इन द प्लेन मिरर विल बी इरेक्ट, सेम साइज्ड, वर्चुअल, वर्चुअल, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, और लास्ट में लिखो, विल शो लेटरल इन्वर्जन, एंड विल शो लेटरल इन्वर्जन। जानते हो बेटे लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होगा? ध्यान से सुनो, अगर ये मिरर हो, ध्यान से सुनो, अगर इधर देखो सभी बच्चे, अगर मान लो ये मिरर हो और मिरर में मेरा फोटो आ रहा हो, मैं अपना राइट हैंड ऐसे ऐसे बाय बाय करूं राइट हैंड से, तो जो मेरा इमेज होएगा वो लेफ्ट हैंड से करेगा। मिरर के अंदर जो इमेज होएगा उस इमेज का लेफ्ट हैंड बाय बाय करेगा, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। इसको क्या बोलते हैं? साइड चेंज होगी, लेटरल इन्वर्जन। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लिख लो बेटे, लेटरल इन्वर्जन की ब्रैकेट में लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.5 मीटर तो इमेज भी कितनी दूर बनेगा? पॉइंट, 0.5 मीटर, क्योंकि जीरो पॉइंट इक्विडिस्टेंट। फाइव मीटर क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, 4 पे आओ, अगर एक ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर मिरर से, और वे 1 मीटर आगे चला जाए मिरर की तरफ, तो इमेज भी कितना नजदीक आ जाएगा? 1 मीटर ही आएगा। 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 5 क्वेश्चन में बेटे? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, 30 नहीं है, 30 तो एंगल ऑफ ग्लास है, क्योंकि टीचर ने थोड़ी देर बोला था पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री, तो इसको 90 में से 30 को माइनस करेंगे 60 डिग्री आएगा, डी ऑप्शन। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे आओ, बस 6th क्वेश्चन पे, इफ इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज 35 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री ही होगा, 6th का ए ऑप्शन। 7th पे आओ, अगर बेटे मिरर के ऊपर लेफ्ट लिखा हो, ध्यान से सुनना, मिरर के सामने ये लिखा हो LEFT लेफ्ट, तो इसके सामने मिरर लगा दें, मिरर, तो सामने कैसे लिखा आएगा बता सकते हो? यहां पर आएगा T लीटर इन्वर्टर, TFEN। उल्टा हो जाएगा बेटे, E भी उल्टा हो जाएगा, यस या नो? L, कौन सा अल्फाबेट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ? भी नहीं चेंज हुआ, बाकी सारा चेंज हो जाएगा बेटे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, 8th क्वेश्चन, विल अपियर सेम इन द प्लेन मिरर, क्या एम लिखने से एम दिखेगा? एच डी एच पार्ट, H&M। एंड एम, और बी नहीं दिखेगा बेटे, बी तो ऐसे दिखेगा, देखो एस भी नहीं दिखेगा, ऐसे ऐसे है तो उधर ऐसे हो जाएगा, तो एम और एच और टी ये तीनों सेम दिखते हैं इमेज में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, वेयर इज द इमेज ऑफ द पिन? पी पॉइंट का इमेज कैसे, मैंने कैंडल के हिसाब से आपको समझाया था,
हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। कैन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर इफ यू आर इन द कंप्लीट डार्कनेस? बेटे बिल्कुल अंधेरे कमरे में अगर मिरर लगा हो तो क्या आप अपनी फोटो देख सकोगे? नहीं हेलो, देख सकेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए या इमेज को देखने के लिए तीन चीजें सोर्स जरूरी, ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूमन आई और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। नंबर 11 में आओ। व्हाई डू वी सी इक्वल साइज इमेज इन द प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में हम इक्वल साइज का इमेज क्यों देखते हैं? आप लिखोगे इसका आंसर ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू वी स्प्रे पॉलिश क्रोमियम निकल सिल्वर ऑन ए ट्रांसपेरेंट शीट टू मेक इट ए प्लेन मिरर? पॉलिश क्यों करते हैं मिरर से, मेटल को, मेटल सर, मेटल के पेंट से? क्योंकि जाएगा जिस तरफ, देखो बेटे ध्यान से देखो मेरे हाथ की तरफ, अगर ये ग्लास शीट है इसकी बैक साइड से मैं स्प्रे पॉलिश करूंगा तो फ्रंट साइड पे ये मिरर बन जाए। फिर से सुनो, ये मेरे पास स्प्रे गन है, मैंने ऐसे 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 सिल्वर सिल्वर स्प्रे कर दिया तो इसका फ्रंट शाइनिंग बन जाएगा, फ्रंट से ये मिरर बनेगा। ओके क्वेश्चन नंबर, टाइम इज ओवर। आज लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। व्हाई डज द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द पोल चेंजेस एट डिफरेंट डे ऑफ टाइम? ये हमने मूवमेंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। डॉग की एग्जांपल लेकर हमने करा था ये वाला, बिल्कुल सेम आंसर। क्वेश्चन 14, व्हाई डज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी हेल्प इन द इमेज मेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट? ये हमने कैंडल की मदद से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। 15th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस्कोप को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटे, ठीक है, शाबाश। पेरिस्कोप को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर किसको किसको समझ आया? प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। देखो बेटे ये मेरे को चाहिए फीडबैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।